4x परफेक्ट स्क्वायर है, 9x परफेक्ट स्क्वायर है, 16x, 16 का अंडररूट कितना निकलता है, 4 निकलता है, 9 का कितना निकलता है, 3 निकलता है, एंड सो ऑन। अब ये जो रेडिकल साइन है हमारे पास इस क्वेश्चन के, इससे पहले हमने जो है वो दूसरी इक्वेशन सॉल्व की थी, अब यहाँ पर रेडिकल साइन भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ बोथ साइड पर मैंने बोथ साइड पर स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर कर दिया राइट, क्योंकि मैक्सिमम रूल होगा बैलेंस करने के लिए, अगर आप लेफ्ट में स्क्वायर करें तो राइट में भी स्क्वायर, ठीक है, ये रेडिकल साइन और स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब जो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि अगर एक्स पर अंडर रूट है और इस पर स्क्वायर भी है, तो इस अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो 1/2 पावर, यानी एक्स के पावर 1/2 और वाई पावर 2, पावर से पावर कैंसिल होती है, जो रेडिकल होता है उसका मतलब नंबर के ऊपर 1/2 पावर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास सिर्फ वो नंबर बच जाता है जो भी वैल्यू होती है अंडर रूट। अब हमारे पास क्या है, अंडर रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगा 4x - 5, 4x - 5 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अंडर रूट या स्क्वायर भी है, अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे आपस में, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, bx प्लस 3x प्लस 7 बच जाएगा। अब x वाले एक तरफ कर रहे हैं और कॉन्स्टेंट जो है वो एक तरफ कर रहे हैं, माइनस का फाइव आप उसको उस तरफ प्रूव कर रहे हैं, माइनस का फाइव उस तरफ प्रूव किया, 3x को आप इस तरफ प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, 4x dx माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है dx इज इक्वल टू, यहाँ पर 7 है, 7 और ये माइनस का 5 उधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x माइनस 3x कितना बचेगा, 1x या x, और 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये आंसर है। हम इससे क्या, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, अब सेट में लिखना है इसको, आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, आपने ब्रैकेट बना लिया, ब्रैकेट में आपके क्या लिखे, ये आंसर है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आ गया सॉल्यूशन सेट 12 वाला। अब फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आल्सो वेरीफाई द आंसर्स, आपने आंसर को वेरीफाई नहीं करना, आंसर को वेरीफाई कैसे करना है, जो आपका आंसर आया है 12 आपने इस इक्वेशन के अंदर प्रूव करना है कि दोनों तरफ क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, आप इसको वेरीफाई करके देखिए, ठीक है, इस तरफ मैं थोड़ा सा बोर्ड, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं वेरिफिकेशन, ये मैं लिख रहा हूं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन यानी इसके आंसर की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें x दिया हमने क्या करो 4 और x साथ लिखे तो 4 और x आपको मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैसे लिखते हो 4 × 12 - 5 = 3x, 3 मल्टीप्लाई करें 12 + 7, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा 4 × 12 कितना होता है 48, 48 में से 3 माइनस करेंगे
48 माइनस 5 सॉरी 5 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 3 इनटू 12 कितना होगा 36 प्लस 7 48 माइनस 5 कितना होगा 43 इज इक्वल टू 36 प्लस 7 कितना होगा 43 तो दोनों तरफ आंसर से एक जैसा आ गया दोनों तरफ लेफ्ट और राइट बराबर आ गया इसका मतलब वेरिफिकेशन जो हम कर रहे थे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट सब आंसर मान लिया ओके हम लिखेंगे एक्स वेरीफाइड हैंस वेरीफाइड तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन उसको वो बंदे मैं होमवर्क देता हूँ आपको क्वेश्चन टू शुड बी होमवर्क फॉर यू इसको आप वैसे ही लिख लेंगे तो वीडियो में इसकी अगर आप रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है इसकी लेकिन ये कि आप इसकी फोटो लेना चाहे तो आप ले लेंगे सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू वो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ अच्छा सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को आवाज क्लियर है जी सर जी जी सर क्लियर है ठीक है ठीक है वेरी गुड कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर टू इज होमवर्क फॉर यू ये आपका होमवर्क है ठीक है मुझे आप ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री भी आसान है क्वेश्चन नंबर थ्री भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ कीजिएगा आसान सवाल है अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करके ग्रुप में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कोई डिफिकल्टी है कोई स्टेप नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे सर्कल करके उसके फोटो लेके आप मुझे बता दीजिएगा यहाँ से नहीं आ रहा तो मैं आपको उसका सलूशन जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे इसको आपने क्या करना है स्क्वायरिंग करना है इसको भी आपने यहाँ पर स्क्वायरिंग आपने करने के लेकिन आप क्या करें माइनस एट को पहले इधर मूव कर दे प्लस का एट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वन प्लस एट नाइन हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट बच जाएगा यहाँ पर नाइन बच जाएगा स्क्वायरिंग करने के लिए अब क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं और आंसर्स को वेरीफाई भी करना है क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा जरा अब ये कह रहे स्क्वायर रूट अंडर रूट स्क्वायर बाय 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 अब ये जो अंडर रूट है ये सिर्फ बाय पर है 3 पर नहीं है इसको हम सॉल्व कर लेंगे माइनस के 2 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे माइनस के 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे लेकिन अगर फर्दर मोर आप क्या करें आप स्क्वायरिंग ना करें तो फिर फर्दर इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं अगर ये अंडर रूट देखें अगर ये अंडर रूट इस तरह होगा
तो थ्री और बाया और थ्री दोनों अंडर रूट में आते हैं, लेकिन हमारा अंडर रूट का स्क्वायर रूट रेडिकल साइन तो सिर्फ बाय पर, तो इसलिए ये थ्री पर नहीं है। अब थ्री यहाँ